हेलो फ्रेंड्स, डीआर क्लास एडवाइस सोनू सर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर देखेंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन पॉलिटेक्निक आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन। तो इसको देखने से पहले फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के नए सिलेबस के अनुसार आपके पेपर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के आने की संभावना है। तो मिनिमम जो है आपके 15 और मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज के इंट्रोडक्शन में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, क्या इसका उपयोग है, कौन कौन से इसके क्षेत्र है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है, अगर हम किसी और भाषा में बोलने लगे तो आपको हमारी बात समझ नहीं आएगी। तो ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसे हम इंजीनियरों की भाषा कहते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी कोई इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपनी ड्राइंग को बनाता है और वह किसी दूसरे के पास जाता है तो वह उसके द्वारा बनाई गई ड्राइंग को देखकर समझ जाता है कि वास्तव में उसमें क्या बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक से दूसरे इंजीनियर या एक ड्राफ्टमैन से दूसरे ड्राफ्टमैन के बीच कम्युनिकेशन हुआ और कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वह ड्राइंग था और यूज कौन करता है, इंजीनियर। इसलिए इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो उसमें आपको बताना होगा। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, भाषा है और भी ऐसे चार ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा, तो आपको चूज करना होगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसे हम क्या कहते हैं, इंजीनियरों की भाषा कहते हैं। ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। नेक्स्ट है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए, अगर मानव निर्मित कोई भी वस्तु है जिसमें आपका इंजीनियरिंग आता है तो वहां पर आपकी ड्राइंग जरूर होगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिये, ये आपका एक मार्कर है। अब मार्कर को नॉर्मली ऐसे बनाया नहीं गया होगा कि किसी मशीन में डाल दिया गया होगा और ये बन गया होगा। अगर हम देखें तो इसके देखिए अलग अलग कई पार्ट्स हैं। अगर हम इसको यहां से ओपन कर दें तो ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कि इसके कई विभिन्न विभिन्न पार्ट्स हैं जिसको अलग अलग बनाया गया होगा और बनाने के बाद फिर इनको क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंबलिंग कहते हैं। तो तब जाकर के ये आपकी ड्राइंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मानव निर्मित हर एक वस्तु जिसमें आपकी इंजीनियरिंग है वहां पर ड्राइंग जरूर है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, क्या इसका उपयोग है। उपयोग क्या है कि देखिए, चाहे आपका हम कोई भी मशीन बनाए, ठीक है, या आपका ये देखिए हमने ड्रेस बन रखी है, इसमें भी क्या है, आपकी इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हर जगह है। और सबसे मुख्य भाषा की ये जो लैंग्वेज है वह एक आपकी जो है विश्वव्यापक लैंग्वेज है। मतलब सभी देशों की जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज होती है वह सेम होती है। तो नेक्स्ट, क्या इसका उपयोग, तो उपयोग में देखिए हर जगह, चाहे हम कहीं भी हो, आपका वहां पर अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपकी इंजीनियरिंग जरूर है। तो यही इसका मुख्य उपयोग है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड, कौन कौन से इसके क्षेत्र है। तो देखिए, बेसिकली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इसको जो है बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, पांचवा होता है आपका, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट होता है आपका जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ड्राइंग को पांच भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये पांच मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा भी जैसे आपका आर्किटेक्चरल है, ठीक है, और भी इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पांच के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में अलग अलग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी मशीन या आपके व्हीकल्स हैं, अगर इनकी ड्राइंग करते हैं तो आपके किसके अंतर्गत आता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। सेकेंड होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका पुल है, भवन है, बांध है, रोड है, इन सब का जो निर्माण करता है वो कौन है? सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे मान लीजिए बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास जो है बहुत कम एरिया का जो है क्षेत्रफल का जो है जमीन है, और मान लीजिए उसमें हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे, तो वह क्या करेगा कि हमारे कम एरिया में ही इस प्रकार जो है मकान की डिजाइन करेगा कि वह बनने के बाद क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी डिजाइनिंग के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिविल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बताया कि मान लीजिए आपने जो है भवन बनवा लिया, मान लीजिए अब अगर आपने भवन बनवाया तो आप उसमें रहना स्टार्ट करेंगे, और जब रहना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बिजली की। तो बिजली की सप्लाई के लिए आप उसके घर की अपने क्या कराएंगे? वायरिंग कराएंगे। तो वायरिंग के लिए वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, यानी वायरिंग से संबंधित, पावर ट्रांसमिशन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आपके किसमें आ जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है कि जैसे मान लीजिए अब आप घर में रहना स्टार्ट कर दिए, आपके यहाँ लाइट भी आने लगी, तो अब आप क्या करेंगे? कूलर, फ्रिज, फायर, ठीक है, ये सब चीजें आप क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो उनकी भी डिजाइन की गई है, तो वह आपके क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में यह डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल में हम उसके वायरिंग यानी पावर ट्रांसमिशन के बारे में अध्ययन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। लास्ट है आपका दोस्तों ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मतलब होता है ज्यामिति, और ज्यामिति आरेखन काम किए जाते हैं आपके कपड़ों में। तो देखिए जो है इसकी दो ब्रांचें होती हैं, एक आपकी होती है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और एक होती है आपकी टेक्सटाइल केमिस्ट्री। तो जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से क्या करता है, या तो डिप्लोमा करता है, बीटेक करता है, वह इसकी ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या करता है? रचना करता है, या वह उसको जो है इसको पढ़ना पड़ता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए दोस्तों इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। देखिए इसमें पहला प्रश्न ये बनता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए आपका क्या है? एक लैंग्वेज है। यह किस प्रकार का लैंग्वेज है? तो यह आपका जो है एक विश्व स्तरीय भाषा है, और भी आपसे प्रश्न इससे जो है बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने यहां से देखा इंट्रोडक्शन कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या इसका उपयोग है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको जो है अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हम और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद।